सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब में बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त का इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मेरे को आपकी जो लोकल न्यूज़ चैनल है वहाँ से मिली है। और आपको पता है कि तेलंगाना के अंदर हिंदी तो होती नहीं है, अभी जो लोकल न्यूज़ है वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, जो वहाँ पे तेलंगाना के काफ़ी सारे टीचर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो गाइस तेलंगाना के अंदर क्लास 9th से 11th के एग्जाम ऑनलाइन मोड से करवाने का फैसला हुआ है। और ये फैसला इसलिए किया क्योंकि पूरे साल क्लास 9th से 11th के एग्जाम हुए ही नहीं थे, टोटली पूरे साल एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे और हुए उन्होंने ऑनलाइन मोड से करवाए, बच्चों को क्लासेस लगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अकेडमिक सेशन को एंड करे और क्लास 9th से 11th के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से करवा के बच्चों को जो नया अकेडमिक सेशन है उसको ख़राब ना होने दें। तो ये अभी थोड़ी देर पहले फैसला हुआ था। ये फैसला वैसे तो मेरे को लगता है फरवरी मार्च दोनों ही मंथ के लिए, बट हो सकता है डिसीजन बदले। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये फैसला दोनों ही मंथ के लिए होगा। अगर फैसला बदलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तो आपके लिए यही अपडेट है कि तेलंगाना के अंदर क्लास 9th 11th के एग्ज़ाम पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड से होगी अभी तक के फैसले के अकॉर्डिंग। बाकी अगर कोई दूसरा अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिंह पे रहो, सेफ रहो। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।